नमस्कार, सी जी न्यूज़ प्लस 24 में आप सभी का स्वागत है। कोंडागांव पुलिस के द्वारा दर्जनों चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में और अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव कपिल चंद्र के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, उप निरीक्षक नरेंद्र साहू, उप निरीक्षक भवानी सिंह चौहान, उप निरीक्षक कैलाश केसरवाणी, उप निरीक्षक आनंद सोनी, चिंताराम ध्रुव, लोकेश्वर नाग, अजय बघेल, शनित सोरी, रामेश्वर भगत, प्रभु नेताम की मेहनत रंग लाई, क्योंकि कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, जगदलपुर, रायपुर, बड़ौदा बाजार और आसपास के क्षेत्रों से गांधीवाड़ निवासी किशोर मंडल, आकाश दत्त मोटरसाइकिल की चोरी कर मोटरसाइकिलों को कोंडागांव, जगदलपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपाकर रखने की सूचना पर थाना प्रभारी कोंडागांव के द्वारा उक्त संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर विधिवत पूछताछ करने पर चोरी करना कबूल किया। छत्तीसगढ़ जिला कोंडागांव से जितेंद्र जैन की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24। शहर के अंदर पिछले 7-8 महीने से और उससे पहले भी लगातार हमें सूचनाएं मिल रही थी, लगातार केस रजिस्टर किए जा रहे थे, उसमें मोटरसाइकिल चोरी करने के प्रकरण सामने आ रहे थे। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जो थाना प्रभारी हैं और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि डट के इसके अंदर लग जाना है और इसके ऊपर लगातार विवेचना करनी है। इसी सिलसिले में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोरी की बाइक्स रखी हुई हैं, उसके ऊपर जब हमने विवेचना करी तो हमने एक विधि से संघर्षरत बालक को से पूछताछ करी और उसी की निशानदेही पे हमें 13 बाइक्स अलग अलग जगहों से जो कि चोरी की गई थी उनको हमने प्राप्त करने में सफलता अर्जित करी है। इसके अंदर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रा साहब एवं टाउन इंस्पेक्टर अर्चना धुरंधर का विशेष योगदान है तथा इनकी पूरी टीम का, इनको मैं विशेष रूप से देखते रहिए सीजी न्यूज़ प्लस 24। सबकी बात सबके साथ, सब्सक्राइब नाउ।